वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, लेकिन सेहत के साथ साथ स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्किन के लिए हमेशा डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया हमें बताने वाली हैं कि स्किन के लिए आपके लिए कौन सी डाइट अच्छी है। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम अर्मिला। आज हम बात करेंगे फूड्स जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त हैं। तो इसमें नंबर वन पे कैरोटीनाइड्स की बात कर लेते हैं। कैरोटीनाइड्स के साथ साथ जितने वो माइक्रो मिनरल्स हैं जो कि हमारी स्किन के लिए एसेंशियल हैं, जिनको हम अक्सर औकात भूल जाते हैं, और क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो स्किन में भी डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं, और स्किन मतलब कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा टैन भी हो जाती है, तो उनको ख्याल रखना चाहिए अपनी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के जो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास राइस आ जाते हैं, फिग्स हैं, डेट्स हैं, खजूरें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, अंजीर बहुत ज़बरदस्त है। एलमंड जो है वो स्किन को बहुत ही क्लीन एंड क्लियर रखता है, आपको पिंपल से बचाता है, और इसके अलावा डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ बीट रूट जूस, जो चुकंदर का जूस है, वो खून के खुलियात बनाने में हेल्प आउट करता है, और अगर बीट रूट को पुदीने के साथ, इस पुदीने का जो होता है उसके साथ अगर मिंट लीव्स के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ आपका स्किन जो है वो डिसकलरेशन को भी सेटल डाउन करता है। सी फूड्स पे आते हैं। सी फूड्स को क्योंकि ओमेगा 3 इनरिच होता है, तो ज़्यादा अगर फिश की बात की जाए, सैल्मन की बात की जाए, या इससे रिलेटेड जो माइक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमारे पास सुशी और इसके रिलेटेड सैल्मन और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। साथ ही साथ जो है हमारा फ्रूट ग्रुप है, फ्रूट्स में हमारे पास आजकल ग्रेप फ्रूट हैं, मौसमी, पाइनएप्पल, एप्पल्स हैं, सेब हैं, और कैरेट्स हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनमें एंटीजेंस मौजूद हैं और जिनमें वाइटमिन रिच ऑफ अ पैक ऑफ वाइटमिन। तो अगर आप इसका मिक्स फ्रूट पैक जूस भी पीते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ स्पेसिफिकली ड्रिंक एक मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप 11 डेज में 4 to 5 days ले लें तो वो भी स्किन का जो डिस्कलरेशन है या फिर रिंकल्स हैं या झुरियाँ छाइयाँ हैं उसमें बहुत हेल्प आउट करती है। नंबर वन, आप इसमें सेलरी और लेमन ऐड करना है पानी में, और साथ ही 1 tablespoon आपने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लेना है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मिरेकुलस ड्रिंक है जो कि ओवर जो मतलब जो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही होती है उनकी एजिंग प्रोसेस को भी स्टॉप डाउन करती है, और साथ ही साथ स्किन की ग्लोइंग और फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी बात की जाती है नेचुरल फूड्स की, तो नेचुरल फूड्स में हमारे पास वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस हद तक रुझान नहीं, क्योंकि फूड हमेशा जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन उससे ख़राब होती है। तो कोशिश कीजिए जिन लोगों की चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने या झुरियाँ या बहुत ज़्यादा छाइयाँ या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल जूसेस यानी कच्चे जो सब्ज़ियाँ हैं उसका जूस या स्मूदीज कंज्यूम करने की कोशिश करें, जिसमें हमारे पास कैरेट्स आ जाती हैं, मौसम सरमा की सौगात भी है, और साथ ही साथ ना सिर्फ कैरेट्स बल्कि घिया कद्दू आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है। उसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पीस की, पीस, लेमन ग्रास यानी मटर हो गए, लेमन ग्रास हो गया, और साथ ही साथ कोलैड ग्रीन, और फिर करेले का जूस, जिसको आपको अक्सर पता होगा कि स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स डाल दें नीम ऑयल के, तो वो भी स्किन का कलर बहुत ही कमाल कर देता है। जो बच्चियां हैं और जिनका जो मतलब 15 से लेके 20-22 साल तक हार्मोनल चेंजेस होती है और उनको दाने पिंपल्स निकल आते हैं, तो अगर वो एक ग्लास नीम गर्म पानी में 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो ऐड कर लें नीम का ऑयल, जो नीम का तेल होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। कच्चा पपीता बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप उसका जूस कंज्यूम करते हैं आपकी स्किन के लिए हेल्प आउट करता है, मेलानिन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, मेलानिन जो है वो इज़ लाइक अ पिगमेंटेशन फॉर द स्किन। ऑन द अदर साइड कुछ लोग जिनको बर्स या पुरबहरी है यानी विटिलिगो है, या उसके साथ ही साथ वो लोग जिनकी बॉडी में एंटीजेंस कम है और एंटीबॉडीज़ कम है और बहुत जल्दी से मौसमी बीमारियों में आ जाते हैं और डिफरेंट उसकी वजह से रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन एलर्जीज़ हैं, तो उसके लिए इंस्टेंटली उन लोगों को चाहिए कि सुबह निहार मुंह बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक एक नीम गर्म पानी का कप लीजिए, उसमें एक चम्मच जो है शहद ऐड कीजिए, 3 to 4 बादाम ऐड कीजिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक चम्मच चोकर ऐड कीजिए गार्लिक के साथ, लहसुन के साथ, तो वो भी
बहुत ही ज़बरदस्त रहता है स्किन क्लियरिंग के लिए, क्योंकि जो हमारी स्किन है, जो हमारी जिल्द है, उसकी फ्रेशनेस के लिए जितनी ज़्यादा वाटरी वेजिटेबल्स जैसे कि ककम्बर है, पॉमग्रेनेट है यानी अनार है, या फिर पाइन एप्पल है, या उसके अलावा सेलरी स्टिक्स हो गई, फिर पुदीना या धनिया, कोरिएंडर का पानी बहुत ज़बरदस्त है स्किन को ग्लो करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। और साथ ही साथ जो आयरन एनरिच फूड्स हैं, जिसमें हमारे पास आयरन एनरिच फूड में पुदीना जो है इसकी बड़ी ज़बरदस्त सोर्स है। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि अगर पुदीने, जो मैं खुद भी करती हूँ, पुदीने के पुदीना लें, उसको ड्राई कर लीजिए, कुछ रेजिन्स किशमिश ऐड कीजिए 1 टीस्पून के करीब, और उसका महलूल बना के अगर डेली आप उसका 1 टेबलस्पून कंज्यूम करते हैं एक ग्लास पानी के साथ ब्रेकफास्ट के बाद, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन को मिरेकुलस इफेक्ट देता है। जी थैंक यू सो मच जवेरिया, आप हमें स्किन के हवाले से बताती है कि कौन सी डाइट बेस्ट सूटेबल है, अच्छी है। अच्छा जनाब, अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाती चलूँ, आज हमें ज्वाइन किया है क्योंकि वीकेंड है, तो म्यूजिक के लिए हमें ज्वाइन किया है शाज बैंड ने, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और साथ में हम ब्यूटी की बात भी करेंगे और इंडस्ट्री की बात भी करते हैं। तो हमें मॉडल है और आरजे है, होस्ट भी है, वेलकम करते हैं बीनेश का, वेलकम टू द शो बीनेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो हम आपके करियर के हवाले से जानना चाहेंगे, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, करियर का आगाज कैसे हुआ? करियर का आगाज़ तो आज से 3 साल पहले हो चुका था। ठीक है, वो जो मैं बताने पे हूँ तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इसको यू नो जरा पार्ट्स में बता देती हूँ। 3 साल पहले हुआ था और मैंने आरजे से स्टार्ट किया था रेडियो जोकी, बेसिकली 103 FM, और मैं ड्राइव टाइम करती थी, इस पे लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया था, फीडबैक्स बहुत अच्छे मिले। उसके बाद मुझे लाइव कॉन्सर्ट्स की तरफ आई, तो मैंने बहुत बड़े बड़े डिफरेंट सिटीज़ में जाके काफ़ी लाइव कॉन्सर्ट्स किए हैं। वहाँ से जो जो लोगों ने और जिन जिन लोगों ने मुझे देखा है, मुझे समझा है कि हाँ भाई ये कर सकती है, टैलेंट है, तो वहां से उन्होंने मुझे मॉडलिंग में यू नो कन्वर्ट कर दिया कि अब मॉडलिंग में आना चाहिए। तो मैं अब डिफरेंट ब्रांड्स के साथ बड़ा अच्छा मेरे शूट्स चल रहे हैं, बड़े अच्छा एक वर्क चल रहा है, और इसके आगे इंशाल्लाह मूवीज में भी बहुत जल्दी अच्छा आपको नजर आऊंगी, अच्छा। ड्रामास बहुत जल्दी मेरे आएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ से मेरे करियर का आगाज हुआ है और अभी चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा आपके दुआओं के साथ, चलता रहे। अच्छा जनाब शाजमान, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए ना कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, किस गाने पे काम हो रहा है? बिल्कुल, आजकल तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली मुहर्रम जो है हम गुजरे हैं, और उसके बाद सफर था तो काम नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शोज पाइपलाइन में भी, और कुछ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कुछ पाइपलाइन में इंशाल्लाह। और अभी एक रिसेंटली गाना आ रहा है जिसका नाम है तेरे बाजू, अच्छा बिल्कुल, वो भी एक इंडिया की मूवी है, उसके लिए बिल्कुल। वीकेंड है, आपने अभी बात की वीकेंड, तो मेरा एक गाना है जिसका नाम है आजा रे माई, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और इट्स माय ओन कंपोजिशन, इट्स माय ओन लिरिक्स, कोशिश की थी लिखने की, और ये उन लोगों के लिए गाना है जितने भी लोग जो है एक दूसरे से नाराज हैं, उन लोगों के लिए, तो उसको मना लें, बल्कि एक मेडले है तो उसी में आपको मेडले भी और मेरा गाना। आजा रे आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे आजा रे माही, आजा रे आजा, बाहों में तू ले ले, आंखों में समा जा, बाहों में तू ले ले, आंखों में समा जा, अब तो आजा रे माही, आजा रे आजा, आजा रे माही आजा। वे चंगा नहीं हूं की ताबीबा, वे चंगा नहीं प्यार हुआ मेरा।
करना मेरा नाल तेरे सी कर इतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी होना सा प्यार हुआ मेरे यार Well done. अच्छा जनाब बिगनी साहब से जानना चाहेंगे आपने अब 3 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में किस तरह की इंडस्ट्री को आपने पाया मतलब किस तरह के लोग मिले आपको आप अच्छा एक्सपीरियंसेस भी होते हैं बुरे भी होते हैं कुछ आपका मिला जुला सा एक रहता है आपका करियर का कैसा रास्ता मेरे करियर में अब तक बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं अच्छा और मेरे कराची में इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ना फ्रेंडशिप है और दोस्त बड़े अच्छे बनाए मैंने और इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार्स हैं एक तरह से उन सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी हेलो आई है मतलब देखा जाए तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है उन्हीं के थ्रू ही उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला है कि किन लोगों को कैसे डील करना है किन लोगों से कैसे बात करनी है मैं थैंक यू करना चाहूँगी सबका कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि किसके साथ आपको कैसे रहना चाहिए तो बड़ा मजे का रहा पूरा सफर मेरा ये बड़ा यू नो एंजॉय किया मैंने और बड़ी इज्जत ली है मैंने लोगों से जो यहाँ की यूथ है लाहौर की वो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा जानती है क्योंकि मैंने उनके साथ डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे मतलब बहुत ही बड़े शो किए हैं और मोस्ट यूथ मुझे लाहौर की बहुत अच्छे से जानती है और उन्हें पता भी है कि मैं इस वक्त यहाँ आई हुई हूँ और उन्हें बहुत ही खुश हो रहे हैं कि ठीक है आप जा रही हैं हमें आप बड़ी पसंद है हम आपको देखेंगे ये सब और उसके साथ जो ड्रामा की तरफ जाऊं तो मैं ड्रामे में अभी मेरा इतना हुआ नहीं है एक्सपीरियंस ना मैंने किया है अभी सही बताऊं तो लेकिन इंशाल्लाह सून हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा एक्टिंग की तरफ से है ज्यादा आसान लगती है या मॉडलिंग एक्टिंग मॉडलिंग या होस्टिंग क्योंकि आपका आरजे का एक्सपीरियंस भी रहा हाँ वैसे बताऊँ तो होस्टिंग बड़ा ही यू नो मज़े का काम है हाँ, आपको लोगों के साथ यू नो इंट्रैक्ट होने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है आप लोगों को जानते हैं बड़ी दिलचस्प चीज़ें सुनने को मिलती हैं और ये कि आप यूथ के साथ जुड़े हुए रहते हैं आपको पता चलता है बातें होती हैं मुझे बातें करना बहुत पसंद है आज आपको पता 2-3 घंटे बोलना ही पड़ता है मॉडलिंग में ये है डिफरेंट पोजिंग के साथ आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं और आपको घंटों हील उसी हील पे खड़ा रहना पड़ता है जब तक एक क्लिक आपका अच्छा नहीं आएगा ना तब तक आपने उसी तरह खड़े रहना है हिलना नहीं है बिल्कुल एक साथ एक दफा मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने 6 इंचेस हील पहना हुआ था और मैं बिल्कुल खड़ी हुई थी और वो आउटफिट ऐसे थे कि उस लहंगे के नीचे ऐसे था कि बहुत भारी लोहा रखा हुआ किसी ने मुझे खड़े नहीं हुआ जाता टू बी वेरी ऑनेस्ट तो अभी मैं हुई खड़ी हुई तकरीबन 6 मिनट्स के तक 6 मिनट तक मैं वहां खड़ी रही थी और मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता था उसके बाद मेरे पांव थे कि नेक्स्ट शूट नहीं कर सकते हम क्योंकि एक ही पोज में आप इतना यू नो भारी चीजें लेके खड़े हो जाएंगे तो आप नहीं कर सकेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे होस्टिंग बहुत मजे की लगती है और मॉडलिंग भी अब क्योंकि आ गई है इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था तो अब मॉडलिंग आ गई है तो मॉडलिंग भी अच्छी लगती है लवली साथ में अभी चूंकि हम इंडस्ट्री की बात करें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और यहाँ सर्वाइव करने के लिए हर रोज तकरीबन कुछ अरसे बात तो आपको ऐसी चीज देनी है लोगों को कि क्लिक करे तो किस तरह से आप लोग कर रहे हो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग मेडले करते हैं हाँ। तो मेडले किंग हम लोग जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं सब जितने भी हैं हम लोगों की कॉपी कर रहे हैं एक क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले सो कुछ डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए अभी मेरा एक मेडले है जो उसमें पश्तो भी है और सराइकी भी है सारी लैंग्वेज जो है मिक्स है सो कुछ नई चीज करें तो डेफिनेटली क्लिक करती है वो करती है यूनिक चीज करनी चाहिए क्योंकि जितना कंपटीशन है मार्केट में बिल्कुल जितने सिंगर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली हर फील्ड में होस्टिंग और मॉडलिंग में हर चीज में कुछ डिफरेंट चीज होगी तो डेफिनेटली हर दिन कोई नया सिंगर नया टैलेंट आ रहा है कुछ चीज यूनिक होगी तो आप क्लिक करेगी आपकी सही सही तो अभी आप अपने मेडले की बात कर रहे थे हम सुनेंगे जरूर बिल्कुल एक बड़े अच्छे मेरे टीचर भी हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं आफताब इकबाल सब जानते हैं उन्होंने भी एक चैनल खोला है तो उसके लिए मैंने एक मेडले किया था उनके एक शो में एक उनका एक शो बड़ा हिट था तो उसमें एक मेडले था पुराना वो कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड तो एक पुराना मेडले है मैं आपको वो सुनाऊंगा जरूर 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 जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए Thank you.
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, चुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। अरे प्यार हुआ है जब से मुझको नहीं चैन आता, चुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। अजीज नाब, बीइंग ड्रामास, चूंकि एक्टिंग एक बहुत वर्सेटाइल किस्म की फील्ड है और आपको उसमें बहुत ज्यादा किलिंग एक्सप्रेशंस भी हैं, सारी चीजें, कोई फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर जो आपको लगता है जो इंस्पिरेशन होता है आपका? मिकाल, मिकाल बेस्ट, यू नो मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ एक्टिंग में। और मेरी बहुत अच्छी एक तरह से यू नो बातचीत भी है जिनके साथ, सबा कमर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन। और मैं उनकी बागी के बाद तो जो उनका ड्रामा था उसके बाद से तो बहुत ही बड़ी फैन जिसे कहते हैं वो हूँ। और मुझे इन दोनों की एक्टिंग एक तरह से, और भी जो न्यू टैलेंट आया ड्रामों में हमें, जो हम चैनल के और ARY के ड्रामों में देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं। यू नो छोटी सी हैं लेकिन एक्सप्रेशन, मुझे उनके नाम नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ कि हम चैनल पे जो मैं न्यू फेसेस को देखी, न्यू मे बी, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, उनका उनका एक्ट, उनकी यू नो बोलचाल ऐसे कि बस रियलिटी है। और भी काफी ड्रामास चल रहे हैं तो बड़े मजा आता है, हालांकि टाइम नहीं मिलता है देखने का, लेकिन समटाइम ऑन जो क्लिक फेसबुक पे फौरन आ जाता है जो थोड़ा मशहूर क्लिक होता है तो देखने को मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है एक तरह से इन चीजों में भी है। तो सारी चीजों को एक्सपीरियंस लेके ना तब इंडस्ट्री में घुसे तो ज्यादा अच्छा लगता है, जबरदस्त, ज्यादा अच्छा। चलिए जनाब, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली है, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और इनके साथ का शो आपने मिस किया तो 5:00 और 1:00 रिपीट भी होगा। और कल संडे है लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है, हमारा बेस्ट ऑफ भी चलने वाला है। हम आपसे इजाजत लेंगे, थैंक यू सो मच हमारे मेहमानों का, लेकिन शाज बैंड को हम इस तरह से नहीं जाने देंगे, हम तो इजाजत ले रहे हैं लेकिन इनसे हम गाना जरूर सुनेंगे। जी बिल्कुल, एक मेडले है जो कि आतिफ असलम के सामने मुझे मौका मिला था परफॉर्म करने के लिए, जबरदस्त, खराब गले के साथ। मैं जान ना जान, मैनू तेरे से मान कर ले पिछाण, तू ही
जिंद जान पावे जान ना जान मैनू तेरे ते मान कर लई पहचान तू जिंद जान दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हजूर मेरे हजूर दिल मजबूर मेरा की कसूर जाने हजूर मेरे हजूर कड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई जाने खुदाई एक तेरे न लाई कड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई जाने खुदाई एक तेरे न लाई मेरे सोने मेरे मेहरबा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया मेरे सोने मेरे मेहरबा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया।